सियासत में परचम लहराने के लिए ना तो किसी शैक्षणिक डिग्री की जरूरत होती है ना किसी तकनीकी योग्यता की। जी हाँ, प्रदेश की राजनीति में भी ऐसे कई सियासतदान हुए जिन्होंने कम पढ़े लिखे होने के बाद भी सत्ता की बागडोर बखूबी संभाली, तो वहीं कई पढ़े लिखे नेताओं ने भी सत्ता की जिम्मेदारी को निभाया। देखिए क्या कुछ रही है अब तक प्रदेश में सीएम रहे नेताओं की शैक्षणिक योग्यता पर एक खास रिपोर्ट। नौकरी के लिए भले ही डिग्री की जरूरत पड़ती हो, लेकिन सियासत में किस्मत आजमाकर नेता बनने के लिए किसी डिग्री की जरूरत ही नहीं। जहां वोटों के रूप में जनता का सहयोग मिल जाए तो कोई भी सत्ता के शिखर तक का सफर तय कर सकता है। प्रदेश की सियासत में गौर किया जाए तो साफ तौर पर जाहिर है कि अनपढ़ से लेकर पीएचडी तक के नेताओं ने सियासत में अपना झंडा बुलंद किया है। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे नेताओं की शैक्षणिक योग्यता पर गौर फरमाया जाए तो भी ऐसे ही कुछ दिलचस्प बातें सामने आती हैं। प्रदेश में महज माध्यमिक शिक्षा हासिल किए देवीलाल से लेकर एलएलबी किए हुड्डा तक ने राज किया है। किसान परिवार में पैदा हुए देवीलाल ने महज माध्यमिक शिक्षा हासिल की। पढ़ाई लिखाई को अलविदा कहकर देवीलाल ने पहलवानी का रुख कर लिया और फिर सियासत का। इसके उलट बंसीलाल का नाम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्रियों में शामिल रहा। बंसीलाल ने पंजाब विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की। बंसीलाल भिवानी जिला बार एसोसिएशन के प्रधान भी रहे। बात भजनलाल की हो तो वो इंटरमीडिएट पास भी थे। भजनलाल ने पंचायत स्तर से राजनीति शुरू कर सीएम पद तक का सफर तय किया। प्रदेश में एक और कद्दावर नेता और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की बात की जाए तो वो अंडर मैट्रिक हैं और उन्होंने शुरुआती शिक्षा गांव से ही पूरी की थी। प्रदेश के वर्तमान सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अच्छे खासे पढ़े लिखे नेता हैं। सैनिक स्कूल कुंजपुरा से शुरुआती शिक्षा हासिल करने वाले सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की। अगर प्रदेश के सीएम रहे नेताओं की शैक्षणिक योग्यता पर नजर डाली जाए तो साफ है कि बंसीलाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे ज्यादा पढ़े लिखे सीएम रहे हैं। लेकिन यहां देखने वाली बात ये भी रही कि कम पढ़े लिखे मुख्यमंत्रियों ने भी प्रदेश की सत्ता को बखूबी संभाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।